ये है PMCH, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे धनबाद का लगभग हर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आकर के अपना इलाज करवाते हैं। ऐसे भरोसा तो नहीं रहता है कि भाई सरकारी अस्पताल में इलाज सही होगा, लेकिन फिर भी मजबूरन जिनके पास पैसा कम होता है वो आकर के यहाँ पे इलाज करवाते हैं। 50% डॉक्टर जो है जो सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं उसका अपना पर्सनल क्लिनिक भी रहता है। आइए चलते देखते हैं माजरा क्या है। सफाई के मामले में आप जानते हैं कि PMCH का सफाई कैसा होता है, जरा दिखाइए। इसलिए पहला चीज़ जो कोई भी मरीज देखना चाहता है वो सफाई है अस्पताल में कि नहीं वो देखना चाहता है। इसलिए मेरे ज्वाइन करने के बाद पहला प्रायोरिटी मेरा ये रहा कि अस्पताल का चप्पे चप्पे जितना मेरा रिसोर्सेज है हम इसको साफ करें। अभी आप चाहते हैं तो कैमरा बाहर देखें। ये है PMCH का एक्सरे रूम। साफ सफाई आप देख रहे हैं कि वाकई में साफ सफाई है, आप देख सकते हैं वेल डिसिप्लिन है। थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, अभी पेशेंट का भीड़ नहीं है। आइए इधर आइए जरा। ये है एक्सरे रूम का ऑफिस जहाँ पे सारा रिपोर्टिंग जो है जमा होता है, और अभी भी जो है कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ये बात सत्य साबित हो रही है। जाइए भाई दीजिए आप लोग, लेडीज लोग भी आई हुई हैं। जरा पूछते हैं इनसे क्या नाम हुआ। मैडम गायत्री सिंह। आप यहाँ क्या चीज़ के लिए आए। एक्सरे के लिए। अच्छा, पहले जो आप PMCH कभी आई हैं और अभी में क्या अंतर। ठीक है। हाँ जहाँ ठीक है, सफाई है अभी। नहीं पहले से तो ज़्यादा है। अच्छा, क्या अभी डॉक्टर लोग अवेलेबल रहते हैं। पहले नज़र नहीं आता। नहीं अभी तो नज़र आते हैं, अभी तो मतलब बंद है तो इसके लिए नहीं आए हैं, लेकिन रहते हैं हम पैर का। तो अब कोई तकलीफ मतलब ये परेशानी वाली बात। नहीं परेशानी नहीं। और आपका क्या नाम है मैडम। प्रीति। आप क्या चीज़ के लिए आए। हम तो साथ में आए हैं। तो पब्लिक में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो है अब धीरे धीरे आ रहा है कि सरकारी अस्पताल में भी अच्छा इलाज होता है। पहले सरकारी अस्पताल के नाम से ही दिमाग में एक गलत भावना आ जाता था कि सरकारी अस्पताल में इलाज क्या होगा, वहाँ तो गंदगी का अंबार बना हुआ है, डॉक्टर्स लोग टाइम पे नहीं आते, खाना ठीक से नहीं मिलता है, वार्ड बॉय लोग ठीक से काम नहीं करते, यानी कि सारा अनडिसिप्लिन। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर क्या रेगुलर ये चेकअप कर रहे हैं। हाँ चेकअप तो कर रहे हैं। टाइमली करते हैं। जी हाँ। दवाई वगैरह सब कर रहा है। और खाना वगैरह। खाना भी दे रहा है। खाना कैसा मिल रहा है, अच्छा या खराब। तो ठीक है मिल रहा है। साफ सफाई। साफ सफाई भी ठीक है। तो पेशेंट का इलाज हो रहा है, टाइमली इलाज हो रहा है, डॉक्टर भी टाइमली आकर के चेकअप भी कर रहे हैं, दवाई भी प्रॉपर वे में मिल रहा है, खाना पीना भी सही ढंग से मिल रहा है। ये पेशेंट का अपना स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। आइए एक दो पेशेंट का और हम लोग इंक्वायरी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका। स्वीटी कुमारी सर। और अभी क्या पढ़ रही या ट्रेनिंग पीरियड। मतलब हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड और पढ़ाई साथ में ही होती है, और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ GNM नर्सिंग। अभी आप क्या चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मेरा सब्जेक्ट है। मतलब बेसिक जर्नी, मतलब जो नर्सिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो भी जनरल वार्ड्स का होता है प्लस मिडवाइफरी आपका गायनी वगैरह लेबर वगैरह में हम लोगों की ड्यूटी होती है। अभी यहाँ पे जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या इन लोगों को टाइमली सारा चीज़ मिल रहा है। यस सर, हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि सारा मेडिसिन इनको टाइमली मिले, और धीरे धीरे आप रिकवरी भी देखेंगे सारे पेशेंट में। कुछ पेशेंट जो करेंटली एडमिट होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम असाइड्स वगैरह का रहता है, या लिवर सिरोसिस के पेशेंट आते हैं, इतने क्रॉनिक केसेस के पेशेंट आते हैं कि अगर आप तुरंत रिकवरी चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पेशेंट आपको बता रहे हैं कि रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो हाँ वो एक लॉन्ग टर्म रिकवरी पीरियड है। मतलब तो उसका ट्रीटमेंट भी 3-4 months का होगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे सारी मेडिसिन चलेंगे तब। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, सुपरिटेंडेंट SNMCH। पहले की तुलना में आज से करीब 6-7 महीना पहले भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तो गंदगी का एक अंबार सा लगा हुआ रहता था, और कुछ पेशेंट का भी हम लोग जानकारी लिए थे, वो लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट में डिले होता था, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं पहुँच पाता था,
इस तरह की समस्या थी। थैंक यू सर। बड़े से बड़े अस्पताल में जब कोई मरीज जाता है तो पहला इम्प्रेशन अगर अस्पताल में गंदगी है तो वो ये नहीं देखता है कि यहाँ इलाज कैसा हो रहा है, डॉक्टर कैसे हैं। सीधे उसका पहला जवाब होता है अस्पताल खराब है, गंदा है। इसलिए पहला चीज़ जो कोई भी मरीज देखना चाहता है वो सफाई है अस्पताल में कि नहीं, वो देखना चाहता है। इसलिए मेरे ज्वाइन करने के बाद पहला प्रायोरिटी मेरा ये रहा कि अस्पताल का चप्पे चप्पे जितना मेरा रिसोर्सेज है हम इसको साफ कराएं। अभी आप चाहते हैं तो कैमरा बाहर देखें, मेरा स्टाफ जो है क्लीनिंग स्टाफ आपके ठीक पीछे में सफाई पर लगे हुए हैं। रात के 12 बजे तक व्हाट्सएप रिपोर्ट मेरे पास आता है, अपडेट रखता है। सर एक चीज़ और है, अक्सर आदमी के दिमाग में एक विजन बैठा हुआ है कि सरकारी अस्पताल मतलब गंदगी और काम नहीं हो पाएगा, यानी कि बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा। अक्सर डॉक्टर लोग जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो लोग अपना नर्सिंग होम खोल के बैठे हुए हैं और उस कारण से क्या होता है यहाँ, अरे यहाँ क्या इलाज करवाते हैं, आ जाना मेरे नर्सिंग होम में। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना पसंद करें? देखिए प्राइवेट क्लिनिक खोलना गलत नहीं है, लेकिन ऑफिस आवर में आपके ड्यूटी आवर में अगर प्राइवेट क्लिनिक में आप कार्य कर रहे हैं तो ये सर्वथा निंदनीय है और ये माफ के लायक नहीं। हमारे यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस सरकार के द्वारा अलाउड है क्योंकि हमको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलता है। BCCL या और भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन लोग का वेतन हम लोग से ज़्यादा होता है, इसलिए कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। अगर हमको भी दिया जाएगा तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि प्रैक्टिस करें या रिजाइन करें, लेकिन ड्यूटी आवर में प्रैक्टिस कदापि अलाउड नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे जेनरिक दवाई ये डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है या जो आज की डेट में हाई फाई रेंज में जो आया हुआ है उस टाइप का? देखिए जो सप्लाई होता है वो भी जेनरिक के नाम से जेनरिक नहीं होता है। और जेनरिक देने का कुछ फ़ायदा भी है, गैर फायदा भी है। अगर जेनरिक नाम से ही हम दे देंगे तब अब दवा दुकान पर रह गया कि किस कंपनी का दवा देगा। वो हो सकता है कोई सी सब स्टैंडर्ड कंपनी का दवा दे दे जिसमें उसको ज़्यादा फायदा मिले, तो इसलिए मैं बीच का रास्ता निकालना होता है कि मरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो और जो दवा हम जिस काम के लिए लिख रहे हैं वो काम सचमुच में करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि दवाई भी सही होना चाहिए। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोग का एक डिमांड था कि भाई डॉक्टर्स लोग जो हैं प्राइवेट पे ज़्यादा प्रीफर करते, ऐसी बात नहीं है। सरकारी अस्पताल में जब तक वो ड्यूटी आवर में है तब तक आप उनसे फ्री इलाज जैसे होता है आप करवा सकते हैं। अगर यहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है किसी कारण से तो पर्सनली आप जा करके उनसे उनके नर्सिंग होम में मिल सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। अब रही बात सर कि सफाई के साथ साथ खाने का जो समस्या है, बीच बीच में ऐसे सुनने में आया था कि फूड में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे था, अभी क्या व्यवस्था, अभी हम लोग चेक नहीं किए? देखिए सर, इस धनबाद में डोसा 120 रुपए का मिलता है एक डोसा, कोई रसगुल्ला 25 से 40 रुपए का मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे मरीजों का 4 टाइम के खाने का 100 रुपये अलॉटमेंट है। उसमें भी जो मरीज़ को दूध अलॉट किया जाता है, क्रिप दूध खाना है, उनको हम दिन भर दूध ही देते हैं। जिनको रहा कि केवल ये फल पर रहेंगे उनको फल देते हैं, बाकी मरीज़ को रेगुलर खाना देते हैं, सीजनल सब्जी देते हैं, सुबह का नाश्ता देते हैं, शाम का नाश्ता देते हैं, दिन का खाना देते हैं, रात का खाना देते हैं, हफ्ता में 2-1 दिन नॉनवेज भी देते हैं। और ये खाने का जो भी चेक होना चाहिए हम हफ्ता में कम से कम एक बार पर्सनली खुद चेक करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। अब हमारे धनबाद वासियों को आप अपना एक संदेश दीजिए, हॉस्पिटल बुरा नहीं है, मन की सोच को बदलिए और आप आइए यहाँ ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अक्सर ये मन में एक विजन बैठा हुआ है कि सरकारी अस्पताल गंदा ही होगा, वहाँ काम अच्छा नहीं होगा, हमारा पेशेंट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वाट एवर। सो काइंडली सर ये मैसेज जरूर दीजिए। मेरा मैसेज सिर्फ एक है, एक मौका देकर देखिए, आप आइए देखिए कितना SNMCH कितना बदल गया है, बदल रहा है। आपके सामने सुपरिटेंडेंट अभी मैं 3:30 बजे
बैठकर आपके सामने ऑफिस में काम, कुछ तो नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, लेकिन मैं काम करता हुआ पाया गया हूँ। 4:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की मेरी मीटिंग है, अभी DDC साहब का फोन आया, तो आप देखिए कि आप डिफरेंट वार्ड में जाकर अभी देख लीजिए डॉक्टर्स वहाँ हैं या नहीं, सफाई कर्मियों को देख लीजिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, एक बार मौका देकर देखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी सर ने कहा, ये एक गारंटी के साथ बुला रहे हैं कि आप लोग एक बार आइए, जो भी पेशेंट हो मौका दीजिए और देखिए कि हम आपका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।